नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर केवी राय, फॉर्मर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आरटीआई सीरीज में आज हम बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशन है क्या, लेने वाले को भी समझ नहीं आ रहा और देने वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 2F के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन दे रखी है। इसके अनुसार इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी मटेरियल हो जो किसी फॉर्म के अंदर हो वो सब इन्फॉर्मेशन में कवर होता है। फॉर एग्जांपल, ऑफिस में उपलब्ध रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी सरकार के पास कब्जे में डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइलों में मीमोज अवेलेबल हों, ईमेल्स हों, किसी विभाग का या किसी अधिकारी का ओपिनियन हो, उसमें मांगी गई या दी गई एडवाइस हो, प्रेस रिलीजेस जो गवर्नमेंट ने इशू की हों समय समय पर, सर्कुलर्स इत्यादि या ऑर्डर्स, इसी प्रकार से गाड़ियों की लॉग बुक्स या और भी कई आइटम्स होती हैं जिनके लॉग बुक्स मेंटेन की जाती हैं, वो भी इसमें कवर हैं। किसी के साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा हो परंतु वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीक्रेट क्लास ना हो कि ये किसी को नहीं बताया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें कवर हो जाते हैं। रिपोर्ट्स जो भी समय समय पर बनती हैं या किसी नियमावली के अनुसार उन रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है, पेपर्स जो भी फाइलों में उपलब्ध पेपर्स हों या रिकॉर्ड पर उपलब्ध पेपर्स हों, सैंपल्स जो भी आप सैंपल ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं समय समय पर प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन में या किसी और आइटम के परचेजेस में जो भी आपने सैंपल्स दे रखे हैं, मॉडल्स किसी बिल्डिंग का मॉडल बना रखा हो या आइडेंटिकल कोई और वस्तु हो जिनके आपने मॉडल्स बना रखे हों, डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फॉर्म्स, जो भी डेटा आपके कंप्यूटर्स में है, लैपटॉप्स में है या और भी किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल भी हो सकता है, उसमें सरकारी डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये भी कहलाएगा। इसी प्रकार से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी, यानी कि सरकारी तंत्र के अलावा अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन किसी प्राइवेट बॉडी की भी आपके पास उपलब्ध हो जिसको आपके पास असेस करने का अधिकार हो, यानी कि वो आपका लाइसेंसी है, एक्सपोर्टर है या कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार आप उसके उस दस्तावेजों को, उस इन्फॉर्मेशन को आप खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी इस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में आ जाएगा। इस प्रकार से सेक्शन 2F की डेफिनेशन में स्पष्ट है कि कोई भी मटेरियल जो सरकारी तंत्र में के पास किसी भी मटेरियल फॉर्म में उपलब्ध हो, जिसको देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है इत्यादि, ऐसी सब चीजें जो है अगर सेक्शन 2F के अंतर्गत कवर होती हैं तो उनके लिए आवेदन दिया जा सकता है और उनमें से उपलब्ध रिकॉर्ड को या सूचना को दिया भी जा सकता है, प्रोवाइडेड सेक्शन 8, 9, 11 या 24 उसको हिट ना करते हों। यदि 8, 9, 11, 24 के अंतर्गत वो सूचना नहीं दी जा सकती तो उसको रोका भी जा सकता है, परंतु डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अब कई दफा हमारे पास कोई चीज उपलब्ध नहीं होती, आदमी के जहन में होता है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो हमारा ये काम हो जाएगा, वो तो ये हंच जो है हमारे रिकॉर्ड पर मटेरियल फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, आपकी किसी के साथ बातचीत हुई है तो वो रिकॉर्ड नहीं बन जाता है,
या किसी ने आपसे डिस्कशन किया तो रिकॉर्ड नहीं बन जाता है, जब तक कि उसको किसी मटेरियल फॉर्म में जॉट डाउन करके अप्रूवल्स ना ले ली जाए, वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ना बन जाए। जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाती हैं, तो डिस्कशन में जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड हुआ है वो ही पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाएगा, परंतु वहां बाकी जो बातें हुई परंतु रिकॉर्ड पर नहीं ली गई तो वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में नहीं आ पाएगा। इस प्रकार से कई लोग कई दफा ऐसी इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, जिसको हम, जैसे किसी ने कह दिया मेरे इलाके में सड़क कब बनेगी, अब मेटेरियल फॉर्म पे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं तो मैं क्या क्या बताऊंगा कि सड़क बनेगी भी कि नहीं बनेगी, क्योंकि अगर प्लान स्कीम अप्रूव्ड है या कोई प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो हमारे पास वो किसी न किसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड पर होगा कि फला इलाके में फला सड़क इतने करोड़ रुपए की बनेगी, ये तो हमारे रिकॉर्ड पर अगर है तो हम इतना बता सकते हैं। परंतु इसके अंदर यदि वो पूछे किस तारीख को बनेगी, किस मंथ में बनेगी, अगर वो सूचना उस रिकॉर्ड के अंदर उपलब्ध नहीं है तो हम कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। इसी प्रकार से कई दफा लोग पूछते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्वेश्चन फॉर्म में भी कई दफा सूचना मांग ली जाती है। और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जहां व्हाट, व्हेन, वेयर लगा हो वहां हमें सूचना नहीं देना, परंतु ये गलतफहमी है, क्योंकि यदि इंफॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड पर व्हाट का आंसर उपलब्ध है, वेयर का आंसर उपलब्ध है, बट मटेरियल फॉर्म के अंदर उपलब्ध है, तो उसको इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में ट्रीट किया जाएगा और उस इंफॉर्मेशन को आधार मानते हुए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। हर चीज का व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई जो है ये उत्तर देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अगर रिकॉर्ड बेस्ड नहीं है तो हम उसका उत्तर नहीं देंगे। परंतु यदि ये सारी चीजें हमारे पास किसी ना किसी मटेरियल फॉर्म में, किसी ना किसी बुकलेट में, किसी ना किसी रिपोर्ट में, किसी ना किसी फाइल में यदि उपलब्ध हैं या किसी डॉक्यूमेंट में उपलब्ध हैं और इसको पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है, तो इसको दिया भी जा सकता है। इस प्रकार 2F की डेफिनेशन को लेने वाले भी ध्यान से देखें कि वो जो मांग रहे हैं क्या उपलब्ध सरकार के पास है या नहीं, उसी प्रकार देने वाले भी इसके ऊपर तवज्जो दें कि इसमें से क्या दिया जा सकता है क्या नहीं, उसके लिए उनको अन्य सेक्शनों का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे सेक्शन 8, 9, 11, 24 कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जहां पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, ऐसे केसों में रेस्ट्रिक्शंस वाली इन्फॉर्मेशन को विदहेल्ड किया जा सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो दी जाए, और यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट में दी जानी है तो आप रिकॉर्ड करके उसको दे भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड्स क्या है, इसकी भी डेफिनेशन हमारे आरटीआई एक्ट के अंदर दे रखी है। रिकॉर्ड्स मींस हमारे यहां जो डेफिनेशन है सेक्शन, इट इंक्लूड्स any document, manuscript and file. अब record को भी further define कर रखा है section 2I के अंदर, इसमें कहते हैं record includes any document, कोई भी दस्तावेज हो, चाहे manuscript हो, चाहे वो file के अंदर हो, any microfilm, कोई भी microfilm बना रखी हो, microfiche, any facsimile copy of document, उसकी प्रति हो आपके पास तो उसको भी माना जाएगा, रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस, कोई फोटोज हैं उसको रिप्रोड्यूस कर रखा है, एम्बॉडीड इन सच माइक्रोफिल्म, उस अगर माइक्रोफिल्म में वो कवर्ड है तो उसको भी रिकॉर्ड माना जाएगा, एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, यदि कंप्यूटर के माध्यम से या किसी अन्य डिवाइस से भी उस मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है तो भी रिकॉर्ड का फॉर्म बन जाता है। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन अलग है, रिकॉर्ड की डेफिनेशन अलग है, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपके पास सेक्शन 2
एफ के अंदर दे रखी है, रिकॉर्ड की डेफिनेशन आपने 2I के अंतर्गत देखनी है। उसके बाद आता है राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, इसके ऊपर भी वेल डिफाइंड है। सेक्शन 2J राइट टू इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है कि ये सब चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, पर इसमें से आप क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या आपको दिया जा सकता है, या पब्लिक की एसेसिबिलिटी में क्या क्या आता है, परंतु इसमें क्या दिया जाएगा इसके लिए हमें अन्य सेक्शनों का भी सहारा लेना आवश्यक है। अब अगर हम सेक्शन 2J पढ़ें तो कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन मींस द राइट टू इंफॉर्मेशन एसेसिबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट ने जो हमें अधिकार दे रखा है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उसको हम उस तक हमारी पहुंच हो सकती है, हम उसको देख सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, उसकी फोटोकॉपीज ले सकते हैं। हेल्ड बाई और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, जो कि सरकारी तंत्र के कब्जे में हो। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन अलग से भी है, उसमें सरकारी तंत्र के अंदर जितने भी ऑफिसेज आते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बने हों, किसी एक्ट के माध्यम से बने हों, किसी आदेश के माध्यम से बने हों, किसी रेजोल्यूशन के माध्यम से बने हों, यानी कि जो भी सरकारी ऑफिसेज हैं, पंचायत से लेकर राष्ट्रपति महोदय के ऑफिस तक, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। तो इन सब में जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका आप इंस्पेक्शन ऑफ वर्क कर सकते हैं, यानी कि अगर कहीं पर भी न्यू कंस्ट्रक्शन चल रही है, रिपेयर चल रही है, तो आप चाहें तो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे फलां जगह पर, साइट पर जो है इंस्पेक्शन करना है। वहां आप डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं गवर्नमेंट के पास उनकी इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं। इसी के प्रकार अगर आप जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको नोट्स की आवश्यकता हो, तो यू कैन टेक डाउन द नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। उनकी अगर आप एक्सट्रैक्ट लेना चाहें तो स्वयं एक्सट्रैक्ट कॉपी कर लें, यदि आप चाहते हैं कि उनकी नोट्स की आपको सर्टिफाइड कॉपीज मिल जाएं, अटेस्टेड कॉपी मिल जाएं कि ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, दे दिए जाएं, तो वो भी आप मांग सकते हैं। टेकिंग सैंपल ऑफ मटेरियल यूज्ड, जो मटेरियल एक्चुअली में यूज हो रहा है, यदि आप चाहें तो आप उन मटेरियल की वो भी मांग सकते हैं कि सैंपल का मुझे इतना जो है हिस्सा दीजिए। आप ब्रिक्स ले सकते हैं, ट्यूबलाइट अगर खरीदी है उसको ले सकते हैं, सीमेंट ले सकते हैं, एवं अन्य पदार्थ जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज किए जा रहे हैं या गवर्नमेंट ने परचेज किए हैं, परंतु इन सब के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं एडिशनल फीस। हर चीज की डिफाइंड, वेल डिफाइंड फीस है। सर्टिफाइड कॉपीज मांगेंगे 2 रुपए मांगी जाएगी, अगर A4 तक है या उससे बड़ी कॉपी है तो एक्चुअल कास्ट आपसे ली जा सकती है। सैंपल ऑफ मटेरियल है तो मटेरियल की कितनी कास्ट पड़ी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड करके आपसे वो मांगी जा सकती है। इस प्रकार से सैंपल ऑफ मटेरियल भी आप राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ले सकते हैं। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्केट, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स, यदि ये आपके पास उपलब्ध हैं तो इनकी भी कॉपियां आप दे सकते हैं, प्रोवाइडेड सेक्शन 8, 9, 11, 24 हिट ना होता हो, और इसकी कॉपियां भी आप मांग सकते हैं और सरकार देना चाहे तो दे भी सकती है। परंतु अगर किसी चीज को देने से कोई इनकार करेगा तो उसके रीजन देने पड़ेंगे, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, किस कानून के तहत, किस धारा के तहत उसको रोका जा रहा है, ये सब भी बताने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध हो उसको भी आप ले सकते हैं, उनके प्रिंटआउट्स भी आप मांग सकते हैं। वेयर सच इन्फॉर्मेशन इज इन स्टोर्ड इन कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस, सपोजिंग आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल हैं और आप चाहते हैं कि उसको दिया जाए, तो
तो आप उसके 2 रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से लेकर उसके प्रिंट आउट निकालकर उसको सर्टिफाइड कॉपीज के रूप में दे सकते हैं। परंतु इसमें कई डेफिनेशन जजमेंट्स भी आई हैं कि यदि किसी आदमी को कंप्यूटर में अवेलेबल मटेरियल चीपर लग गए, ये 50 रुपए में एक फ्लॉपी में सारा मटेरियल मिल जाएगा, इसलिए मुझे कंप्यूटराइज मटेरियल करके दे दिया जाए, तो उसके लिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने समय समय पर कहा है कि मटेरियल जिस फॉर्म में अवेलेबल है उसी फॉर्म में दिया जाएगा। ये नहीं कि आप कहें कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पहले जो है कंप्यूटराइज करें या कंप्यूटर में कन्वर्ट करें उसके आपको बाद 50 रुपए में दिया जाए, ऐसा प्रावधान नहीं है। इफ इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो आपको 50 रुपए की डिस्केट या फायर फ्लॉपी में दिया जा सकता है। परंतु यदि आप कहें कि इन सारी फाइलों को आप कन्वर्ट करिए पहले कंप्यूटरों में उसके बाद मुझे 50 रुपए में दीजिए, तो दैट इज नॉट द आइडिया ऑफ द एक्ट। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें रिकॉर्ड की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी और राइट टू इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा, और वो इन्फॉर्मेशन भले ही गवर्नमेंट तंत्र के पास हो या किसी भी ऐसी बॉडी के पास हो जो गवर्नमेंट के अधीन आती हो, उसके द्वारा कंट्रोल की जाती हो या फाइनेंस की जाती हो या उसके पास उनको देखने का अधिकार हो, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, कंट्रोल्ड और गवर्नड। तो इसके अंतर्गत एनजीओज की इन्फॉर्मेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेयर प्राइस शॉप है, राशन का दुकानदार, वो कोई सरकारी तंत्र नहीं है, बट ही इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट, बाय द फूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट और सम आइडेंटिकल डिपार्टमेंट, कहीं सिविल सप्लाइज कहा जाता है, कहीं राशनिंग कहा जाता है, जो भी कहा जाए। तो अगर वो कंट्रोल्ड एंड गवर्नड है तो उससे इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्टली आपको नहीं देगा, उससे इन्फॉर्मेशन कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी मंगवा लेंगे या उसकी इंस्पेक्शन करके ले आएंगे और उसके बाद आरटीआई के माध्यम से आपको दी जा सकती है। इसी प्रकार से स्कूलों की इन्फॉर्मेशन है, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन है या अन्य इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड हैं, गवर्न्ड हैं या गवर्नमेंट उसमें सब्सटेंशियल फाइनेंस देती है ताकि वो स्कूल्स वगैरह रन कर सकें, तो उनको भी कवर माना जाता है। तो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन बहुत वाइड है, इसमें क्या क्या दिया जा सकता है, क्या क्या देना चाहिए, ये सब आप डेफिनेशन 2F, 2I और 2J इन तीनों को देखते हुए निर्णय लेंगे। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।